उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नीलगंगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां सिटी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी के निर्देशन में थाना नीलगंगा पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान 29 मार्च को धन्नालाल की चाल के पास रंगा भवन में सोने मकान में चोरी की वारदात हुई। यहां 12 बोर बंदूक, 13 कारतूस, एक एलईडी टीवी, 20,000 नकदी, चांदी के सिक्के, 2 गैस की टंकी, 3 दीवाल खड़ी, पंखा व घरेलू सामान चोरी होना बताया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। मुखबिर से सूचना प्राप्त कर पुलिस ने धन्नालाल की चाल में ही रहने वाले विशाल पवार को गिरफ्तार किया और कड़ी पूछताछ करने पर चोरी हुआ माल भी बरामद कर लिया गया। यहां सीएसपी डॉक्टर रजनीश कश्यप के नेतृत्व में नीलगंगा थाना प्रभारी व टीम ने वारदात का खुलासा किया। श्री कृष्ण चौक से जो है व्यापारी है, प्रिंटिंग प्रेस का इनका काम है, ये बाहर थे। उनके अपने घर में एक चोरी हुई थी कार की, और उसमें जो है उनकी जो सबसे मजबूत आइटम है बंदूक और कारतूस और कुछ चांदी के सिक्के और घरेलू सामान दिया था। इस चोरी की वारदात के बाद से थाना नीलगंगा और हमारे महाकाल ने थाना नीलगंगा की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। एक आरोपी को पकड़ा है जिससे जो भी पूरा चोरी का सामान गया था वो 100% रिकवर हुआ है, यहाँ तक कि 100% से ज़्यादा रिकवर हुआ, क्योंकि उसको घर वाले को मालूम नहीं था कि और क्या क्या ले गया। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो तो हाथ घर लेके गया था चोरी के लिए। आठ घर लेके घर के सामने से लगाया, घर में ताला वाला थोड़ा सारा केले में से सामान भरा और घर लगा के ले आया, बकायदा लेके सर। गैस को चूल्हा, घर का सामान, आप लोग जो देख रहे हैं, ये सारा सामान जो है वो उज्जैन पुलिस को लगातार सफलता मिलती चली जा रही है। एक नकाबजन चोरी का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? थाना नीलगंगा क्षेत्र में 29 मार्च को एक नकाबजनी हुई थी। ये रात को अज्ञात बदमाश घर का सारा सामान लेके गए थे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था दो नाली बंदूक और उसके कांटे, ये चोरी हुए थे। तो थाना नीलगंगा की जो पुलिस है वो लगातार प्रयासरत थी। अभी कल सूचना मिली कि एक चोर जो है संदिग्ध, उसके यहाँ पर ये चोरी का सामान हो सकता है। तो सूचना पर थाना नीलगंगा की पूरी टीम और हमारे सीएसपी थाना प्रभारी सभी लोगों ने इसमें बहुत अच्छा वर्कआउट किया, आरोपी को पकड़ा और आरोपी के पास से सारी सामग्री जब्त की, जिसके पास से दो नाली बंदूक, 13 उसके जो कांटेज हैं राउंड वो जब्त किए, घरेलू सामग्रियाँ जो है जिसमें कि बर्तन है, मिक्सी है, एलसीडी टीवी है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी वो सब लेके गया था, वो भी जब्त किया। कुछ चांदी के सिक्के थे, कुछ कटोरियाँ थी चांदी की, वो सारी चीज़ें जब्त की गई। ये जो व्यक्ति है पुराना आपराधिक रिकॉर्ड से लगती है, पहले लूट होने बंद हो चुका है और थाना रिंगा की वजह से बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे कप्तान पकड़ा गया। और भी कुछ खुलासा होने की संभावना है? पूछताछ की जा रही है और अगर खुलासा होगा तो हमारा प्रयास